हेलो दोस्तों, आज मैं लेके आई हूँ होली स्पेशल दही फुल्की मट्ठा रेसिपी। तो इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई कीजिएगा। यकीन मानिए, अगर आपने ये रेसिपी एक बार बना ली ना, तो बार बार आप इस रेसिपी को बनाना पसंद करेंगे और जिस किसी को भी आप खिलाएंगे या पिलाएंगे, कोई भी आपकी तारीफ के बिना नहीं जाएगा। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं और वीडियो में पूरा एंड तक बने रहिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस, और रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पर ले लिया है आधा किलो करीबन दही ले लिए मैंने, तो आधा किलो माना दो कटोरी करीबन दही ले लिए। तो इसको मैं अच्छे से फेंट लूँगी बढ़िया से, इसमें कोई भी लम्स नहीं रहने चाहिए। दही को मैंने अच्छे से मिला लिया है, तो इसमें कुछ मसाले ऐड कर देंगे स्वाद के अनुसार। नमक एक छोटा चम्मच, हल्दी पाउडर एक छोटा चम्मच, लाल मिर्ची पाउडर एक छोटा चम्मच, जीरा पाउडर, थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट। तो ये आप ज़रूर डालिएगा, इससे बहुत बढ़िया टेस्ट आता है अगर आप खाते हो तो एक छोटा चम्मच काला नमक डाल देंगे, इससे भी बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। अच्छे से सबको मिला लेंगे। तो बढ़िया से हमने मसालों को इसमें मिलाना है, इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं रहने चाहिए। तो आपने एक चीज़ का ध्यान देना है, आप दही मट्ठा जो भी लो एकदम फ्रेश लो, खट्टा नहीं लेना है, क्योंकि अगर आप खट्टा लोगे तो वो और ज़्यादा खट्टा हो जाएगा। क्योंकि ये जो हम दही फुल्की बना रहे हैं ये वैसे भी रखी रखी खट्टा हो ही जाता है। तो मैं यहाँ पर ढाई गिलास पानी ऐड कर दूंगी इसमें। इसको ज़्यादा गाढ़ा नहीं बनाएंगे हम, लिक्विड बनाएंगे, क्योंकि लिक्विड ही अच्छा लगता है पीने में। तो अच्छे से हम इसको मिला कर और रख देंगे हम इसको ढककर साइड में। तो आप यहाँ पर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मसाले ऐड कर सकते हैं। तो अब हम फुल्की की तैयारी कर लेते हैं। एक बाउल लिया मैंने और एक कप बेसन लिया, स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे और स्वाद के अनुसार लाल मिर्ची पाउडर, और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम इसका एक गाढ़ा घोल बनाकर तैयार करेंगे। ज़्यादा पतला घोल नहीं बनाना है हमने, क्योंकि हमने इसकी फुल्की बनानी है तो पतले घोल की तो अच्छी बनती नहीं है। तो हम इसको अच्छे से 5 से 10 मिनट इसको एक ही डायरेक्शन में फेंटेंगे, ताकि अच्छे से फ्लफी हो जाए और हमारी जो फुल्की है एकदम फूली फूली और स्पंजी बने। बस इतना गाढ़ा घोल रखना है हमने, इससे ज़्यादा पतला नहीं करना है। और मुझे इसे फेंटते हुए 5 से 10 मिनट हो गए हैं। तो चलिए फुल्की बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने गैस पर कढ़ाई रख ली है और ऑयल हमारा अच्छे से गर्म है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा थोड़ा यहाँ पर मिक्सचर लूँगी और इसमें डाल दूँगी। तो हम यहाँ पर जितनी एक बार में आ पाएंगी उतनी ही फुल्कियाँ डालेंगे तेल में। और गैस की फ्लेम को मैंने लो कर दिया है, तो लो फ्लेम पर हम इनको फ्राई कर लेंगे। तो अच्छे से हम यहाँ पर इनको गोल्डन ब्राउन होने तक बढ़िया से फ्राई कर लेंगे, ताकि ये बढ़िया से अंदर से भी सिक जाए। तो आप देख सकते हैं हमारा जो ये घोल था इतना फ्लफी हो गया था कि फुल्कियाँ जैसे ही डालते ही ऊपर तैरने लग गई हैं। तो अच्छे से हम बढ़िया से इनको फ्राई कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं इनका कलर चेंज हो गया है और ये अच्छे से फ्राई हो गई है। तो अब मैं इनको एक प्लेट में निकाल लूँगी। तो अब हमने जो दही का मट्ठा तैयार करके रखा था, हम ये सारी फुल्कियाँ इसमें डाल देंगे। तो मैं सभी फुल्कियाँ डाल देती हूँ इसमें। तो मैंने ये सारी फुल्कियाँ इसमें डाल दी। अब हम ऊपर से डाल देंगे थोड़ी सी बूंदी, आप कोई सी भी बूंदी ले सकते हैं, सिंपल या फिर मसाले वाली, जो भी आपको मिले। तो अब हम यहाँ पर इसको अच्छे से मिला लेंगे खूब बढ़िया से, और मिलाने के बाद अब हम इसमें लगाएंगे खूब बढ़िया वाला तड़का, जिससे इसका टेस्ट और ज़्यादा दुगना हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर तड़का पैन लिया है, एक बड़ा चम्मच तेल ले लेंगे और गैस की फ्लेम को लो रखा है। तेल अच्छे से गर्म होने के बाद हम गैस को बंद कर देंगे। तो मैं यहाँ पर आधी चम्मच जीरा डाल दूंगी और एक छोटा चम्मच हींग और 3 से 4 लौंग डाल देंगे, और ये तड़का जाएगा अब हमारा दही फुल्की मट्ठे में। तो हम यहाँ पर इसमें ऊपर से ये तड़का लगाने के बाद इसको तुरंत हम ढक देंगे, ताकि जो इसकी ये फ्लेवर है, खुशबू है, ये बाहर ना जाए। तो 3 से 4 मिनट के बाद चेक करेंगे। तो चलिए चेक कर लेते हैं, 3 से 4 मिनट हो गए हैं। ये देखिए दही फुल्की मट्ठा बनकर हमारा तैयार है, इतना टेस्टी लगता है ये पीने में। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो आप इसे क्या करेंगे, आधे घंटे के लिए इसको फ्रिज में रख देंगे, और ये ठंडा ठंडा तो इतना टेस्टी लगता है। तो आप भी बनाइए, खाइए और इंजॉय कीजिए। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं, और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा, उससे आपको मेरी आने वाली रेसिपी की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो मैं मिलती हूँ आपको अपनी एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।